हम अपने दोस्त को स्केटिंग शूज पहन करके बहुत फास्ट दौड़ते हुए देखा तो मुझे भी मन हुआ कि क्यों ना हम भी एक स्केटिंग शूज मंगा जैसे लें कि हम अपने दोस्त की तरह फास्ट दौड़ सकें। तो पहले फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर मारा तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं दिया, 10 दिन टाइम लिया, 10 दिन बाद भी ऑर्डर नहीं आया। तो फिर मीशो पर देखे तो मीशो पर ऑर्डर मारे तो मीशो से आ गया। मीशो पर 10 दिन का टाइम लिया लेकिन 7-8 दिन में दे दिया, 8वां दिन में दे दिया था। तो जैसे ही ऑर्डर आया तो मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन ऑर्डर वाला जो आया था तो वो शाम के समय में आया था। तो मैंने झट से उसको बुलाया और बुला करके उस ऑर्डर रिसीव किया और फिर इसको खोल करके रस्सी भी नहीं लगाए, रस्सी भी वैसे ट्राई करने लगे। इतना खुशी था कि रस्सी बिना रस्सी लगाए हुए पहन करके ट्राई करने लगे, लेकिन बाद में लगा कि रस्सी बांध लेना चाहिए। तो मैंने रस्सी को बांध लिया और दोनों जूता में रस्सी को बांध करके तब मैंने ट्राई किया। तो पहले रस्सी को बांध लेते हैं अच्छे से और उसके बाद ट्राई करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए, जितना आसान सिंपल जूता में रस्सी लगाने में होता है उतना आसान इसमें नहीं लगता है, क्योंकि इसमें साइड में जो है बड़ा ये कवर टाइप का, ये बहुत दिक्कत करता है रस्सी लगाने में। तो धीरे धीरे करके हम रस्सी लगाते हैं। अब रस्सी लगाने में ये सिर्फ अंतिम वाला बचा है तो इसको भी आराम से हम लोग रस्सी लगा लेते हैं। तो इस रस्सी को लगाने के बाद दोनों साइड से इस दोनों रस्सी को पकड़ करके गांठ दे देते हैं टाइट करके। तो बोलने में उतना अच्छा से हमको बोलने के लिए नहीं आता है, क्योंकि ये पहला वीडियो में बोल रहे हैं तो अच्छा से नहीं बोला हुआ होता है। तो बोलते बोलते धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि पहला बार वीडियो बना रहे हैं तो इसमें बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अब पहला जूता का रस्सी लग गया है तो दूसरा जूता में भी सेम टाइप से रस्सी लगाते हैं, लेकिन ये जो है ना ये अलग टाइप से लगाते हैं। इस टाइप से आप कौन कौन रस्सी लगाते हैं जूता में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका वीडियो बना देता हूँ। तो हमको तो इसी टाइप से रस्सी लगाने में पसंद आता है, तो सिंपल भी है लगाने में। तो इस टाइप से हम लगा लेते हैं जूता में रस्सी को और देखते तो रहिए। ये वाला जूता में जो है ना रस्सी लगाने में बहुत दिक्कत होता है, उतना आसानी से नहीं घुसता है। ये कहे कि ये कवर जो है ये कवर के चलते दिक्कत होता है घुसाने में रस्सी को। और रस्सी को डाल देते हैं होल में इस तरह से और धीरे धीरे करके सारे होल को रस्सी लगा देते हैं और जो है अच्छे से बांध लेते मेरा हैं। दीदी को रुपया दे, दीदी के पास नहीं रहोगे, तो अब बच गया है एक होल में रस्सी लगाने के लिए। तो आप लोग देखते रहिए। तो अंतिम वाला होल में रस्सी लग गया है तो रस्सी लगाने के बाद अब इसको अच्छा से बांध लेते हैं टाइट करके। तो गांठ देने के बाद अब इसको पहनना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहन करके कैसा लगता है। पहनने के लिए तो एक्साइटेड है। अब इसको रख देते हैं और एक टूल लाते हैं, नीचे में तो होगा नहीं क्योंकि पहली बार जो पहन रहे हैं। तो एक टूल लाते हैं और टूल पर बैठ करके स्केट शूज को पहनने लगते हैं। तो पहनते पहनते अब देखते हैं कि कितना अच्छा से पहन पाते हैं और चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे ये भी देखेंगे। लेकिन पैर अच्छा से एडजस्ट नहीं किया है तो रस्सी को थोड़ा खोल करके पैर को अच्छा से एडजस्ट करा करके फिर से रस्सी को बांधना होगा। तो रस्सी को खोल कर खींच दिए हैं और पैर को एडजस्ट कर करके जो पैर एडजस्ट हो जाता है तो अब देखते हैं। मन तो होता है कि कब पहन करके चलना स्टार्ट कर दें लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि पहली बार पहन रहे हैं और सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद तभी अच्छा से चल पाएंगे। तो ये कवर जो है ये भी लेकिन सेफ्टी अच्छा है, ये मजबूती है दे देता है जो पैर को अच्छा से टाइट करेगा।
लेकिन ऊपर एक और बेल्ट दिया हुआ है, और ये बेल्ट को अच्छा से लगा करके टाइट कर देंगे तो पैर का ये गिरेगा नहीं जल्दी। अच्छा से पहन लेते हैं और पहनने के बाद देखते हैं कि कैसे होता है। अब दूसरा पैर का जूता पहनना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं कि कितना अच्छा से इसको भी पहन पाते हैं। अब जैसे ही पैर डालते हैं तो इसमें, लेकिन एक जूता लगता है कि ये छोटा दे दिया है या बड़ा दे दिया है, इसमें ज़्यादा टाइट लग रहा है कि रस्सी बांधने में दिक्कत हुआ है, लेकिन छोटा बड़ा तो हो जाता है। ये जो है ऊपर वाला कवर, इससे बहुत दिक्कत होता है पहनने के समय। पहनने के बाद तो पूरा कंफर्टेबल बुझा रहा है, और देखते हैं कितना अच्छा से इसको पहन करके चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये मेरा स्केटिंग शूज का पहला वीडियो है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी इस सोशल मीडिया के बीच में घुस सकते हैं, और हमको भी थोड़ा बहुत फॉलोअर मिल जाए, सब्सक्राइबर मिल जाएगा, तो हम भी आप लोग के बीच रहेंगे, और जब सीख जाएंगे तो अच्छे से आप लोग को भी बताएंगे कि कैसे कैसे सीखते हैं और चलाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब उठने का स्टार्ट प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही खड़ा हुए तो एकदम से भागने लगा, और देखते हैं कि कितना अच्छा से चल पाते हैं या नहीं। ये तो थोड़ा पतर सुठा आदमी है तो चल लेते हैं, एक मोटा आदमी जल्दी नहीं चल पाएगा। तो अब निकलने का प्रयास करते हैं, तो अब कैसे होता है देख रहे हैं। अब नीचे तो थोड़ा ढलान है, अब ढलान पर देख रहे हैं कैसे होता है। अब देखो और